नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस वैल्यूबल वीडियो में। मैं आपके लिए ऑटोमोबाइल से रिलेटेड कोई ना कोई वीडियो जरूर लाता हूं और आज ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ RTO के फॉर्म से संबंधित बहुत ही इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आप लोगों ने कभी भी देखा होगा जब आप RTO ऑफिस कोई पेपर अपने RC से संबंधित या अपने लाइसेंस से संबंधित कोई भी काम से आप RTO ऑफिस जाते हैं, तो वहाँ पर हमेशा आपके साथ कोई ना कोई आपके डॉक्यूमेंट के साथ साथ कोई ना कोई फॉर्म साइन कराया जाता है। तो कौन सा फॉर्म किस चीज़ का काम आता है, शायद कभी आपने इस बारे में कभी सोचा नहीं होगा। तो आज इस वीडियो में मैं उस फॉर्म से रिलेटेड मैं आपको बहुत सारी जानकारी देने वाला हूँ कि कौन से फॉर्म क्या क्या काम आते हैं। तो इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा, आपके बहुत लाइफ में काम आएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से जरूर शेयर कीजिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेशन हर कोई अपनी वीडियो में नहीं देता है, तो शायद ये पहला ऐसा चैनल होगा जो आपको सारी ऐसी फॉर्म से रिलेटेड जो है आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। बड़ी मुश्किल से मैंने ये फॉर्म जो है RTO ऑफिस जाके कलेक्ट किए हैं सिर्फ आप लोगों के लिए, आप लोगों की नॉलेज के लिए। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और साथ में बिल्कुल स्किप भी मत कीजिएगा। इसके साथ मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में जो आपको जो साथ में बेल आइकन का बटन दिख रहा है सब्सक्राइब बटन के पास में, उस बेल आइकन के बटन को प्रेस करके उसको ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली जो भी अपकमिंग नॉलेजेबल वीडियो है ऑटोमोबाइल से रिलेटेड वो आप तक जरूर पूरी पहुंच जाए। तो चलिए फटाफट टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला फॉर्म जो है मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो ये है फॉर्म। एक तो आता है ये 30 नंबर फॉर्म है, और एक साथ में आता है ये 29 नंबर। अगर आपको कैमरे में दिख रहा होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है 29 नंबर फॉर्म है, और साथ में जो है एक फॉर्म आता है ये फॉर्म नंबर 30 अगर आपको दिख रहा होगा। ये दोनों जो कहलाते हैं वो सेल लेटर कहलाते हैं। जब भी आप कभी किसी से सेकेंड हैंड गाड़ी परचेज करते हैं, भले आपने किसी डीलर से परचेज करी है, भले आपने किसी अपने फ्रेंड सर्कल से रिलेटिव से परचेज करी है, कोई भी आप जब सेकेंड हैंड गाड़ी परचेज करते हैं तो पेपर जब आप ट्रांसफर करवाने जाते हैं तो साथ में आपके एक तो ID प्रूफ में आपका पैन कार्ड, और एड्रेस प्रूफ में आपका आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड या फिर लाइसेंस, दो एड्रेस प्रूफ और एक आईडी प्रूफ में आपका पैन कार्ड लगता है। उसके साथ में जब आप कभी भी साइन करवाते हैं पेपर ट्रांसफर के लिए तो ये फॉर्म, दो फॉर्म 29 और एक फॉर्म 30, ये आपके फॉर्म्स में जरूर आपके जो RTO में आपके ट्रांसफर के काम आते हैं। अब मैं बता दूं फॉर्म 29 किस तो होता है। देखिए फॉर्म 29 पे ये आप जो फॉर्म 29 देख रहे हैं, अगर आपको दिख रहा होगा कैमरे पे, तो ये फॉर्म 29 पे जिसके नाम पे जो RC बोल रही है, मतलब जिसके नाम पे RC ऑलरेडी है, जो प्रेजेंट में जो कार का ओनर है उनके साइन जो है यहाँ पे होंगे, यहाँ पे उनके कार के ओनर के साइन जो है किए जाते हैं। यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पे कार के, यहाँ पे दो फॉर्म लगते हैं जिसके नाम गाड़ी ओरिजिनली प्रेजेंटली गाड़ी जो ओनरशिप जिसके नाम पे है। दूसरे नंबर जो ये मैंने फॉर्म 30 आपको बताया है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे दोनों के साइन होते हैं, मतलब जो ट्रांसफरर है और जो ट्रांसफरी है दोनों के नाम, दोनों के साइन यहाँ पे होंगे। ऊपर आप देख रहे हैं ट्रांसफरर यानी जिसके नाम ऑलरेडी अभी गाड़ी प्रेजेंटली है, जो ओनर है उनके साइन तो होंगे यहाँ पे, और साथ में नीचे आप देख रहे हैं ट्रांसफ्री, तो यहाँ पे जिसके नाम पे गाड़ी अभी होने वाली है, जो आप गाड़ी खरीद रहा है उनके साइन यहाँ पे साइन होंगे, एक दो और ऐसा तीसरा साइन उनका यहाँ पे होगा जो अब गाड़ी ट्रांसफर अपने नाम करवा रहे हैं, जिन्होंने गाड़ी परचेज करी है। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए, साथ में या तो यहाँ पे साइड में और या फिर नीचे पेंसिल से जो गाड़ी की जो चेसिस नंबर होते हैं उनको यहाँ पे रगड़ा जाता है और वो यहाँ पे उभर के सामने आ जाता है। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, ये दो फॉर्म जो है पेपर ट्रांसफर में RC ट्रांसफर में काम आते हैं। तो ये हो गया फॉर्म 29 और 30। चलिए अब अगला फॉर्म ये आता है, आपने देखा होगा, ये होता है कर चुकता यानी टैक्स का फॉर्म होता है। टैक्स इसको CC बोला जाता है अपने RTO के लैंग्वेज में। तो कभी भी आप जब ट्रांसफर करवाते हैं पेपर तो यहाँ पे इसमें ना पेमेंट भरा जाता है, टैक्स भरा जाता है। कोई भी गाड़ी का जब परचेज करते हैं हमेशा उसका जो टैक्स भरा जाता है, तो उस टैक्स की इन्फॉर्मेशन इस फॉर्म पे होती है। इस पर आपके देखेंगे जिसने आवेदन किया है, जिसने ये फॉर्म सबमिट करने जा रहा है उसके यहाँ पे साइन होंगे, सब RTO के वालों के साइन यहाँ पे होंगे। इसके बाद कभी भी आप जब पेपर ट्रांसफर करवाते हैं तो उसके बाद आपको एक ऐसी रिसिप्ट जो है RTO की तरफ से दी जाती है, ये आप हमेशा अपने पास रखें। कभी भी आप ध्यान रखिएगा जब भी आप पेपर ट्रांसफर करवाने जाते हैं तो उसके बाद जो आप पेमेंट जो वहाँ पे सबमिट कर रहे हैं उसके बाद एक जो रिसिप्ट होती है वो आप ये जरूर रखिएगा। ये फ्यूचर में काम आएगी, जब तक आपके RC ट्रांसफर होकर नहीं आ गई है तो ये आप हमेशा रखिएगा। यहाँ पे आपने यहाँ पे गाड़ी के नंबर वगैरह डिटेल्स वगैरह सब आ जाती है, कौन सी गाड़ी है और गाड़ी का क्या नंबर है, तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी उसके चेसिस नंबर। तो हमेशा कभी भी आप पेमेंट करें तो साथ में ये रिसिप्ट अपने पास जरूर रखें, और नीचे जो है कितना पेमेंट आपने सबमिट किया उसकी सारी डिटेल्स जो है इसमें आ जाती है। तो ये फ्यूचर में आपके बहुत काम आएगी, खास तौर से जब तक आपकी RC ट्रांसफर होकर आपके पास नहीं आ गई है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन आपके पास जरूर रखिएगा, इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो चलिए अगला फॉर्म आता है फॉर्म नंबर 20।
20 नंबर जो फॉर्म होता है वो हमेशा न्यू रजिस्ट्रेशन के काम आता है। जब भी आप गाड़ी पे कोई नया रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, नया रजिस्ट्रेशन करवाने जाते हैं, तो वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट से जो फॉर्म साइन होता है वो होता है फॉर्म नंबर 20। ये फॉर्म में आपके साइन होते हैं सारी आपकी जो डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स है, एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ, वो सब कुछ इसमें लग जाता है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो फॉर्म 20 होता है ये आता है न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो मैं अपने शेयर कर रहा हूँ। वीडियो को जरूर पूरा साथ में शेयर भी कीजिएगा, साथ में लाइक भी कीजिएगा। आपका एक लाइक जो है मेरा मोटिवेशन बढ़ाता है आप लोगों के लिए ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो लाने के लिए। चलिए अगला फॉर्म आता है, अगर आपको दिख रहा होगा ये है फॉर्म 27, फॉर्म नंबर 27। ये जो फॉर्म जो 27 है ये किस लिए काम आता है? ये काम आता है असाइनमेंट नंबर के लिए। असाइनमेंट नंबर क्या होता है? जब फॉर एग्जांपल आप, जैसे मैं राजस्थान में रहता हूँ और मैं गाड़ी अगर किसी और अदर स्टेट से खरीद के लाता हूँ, जैसे गुजरात या फिर गुजरात से, दिल्ली से या महाराष्ट्र से, किसी और स्टेट से अगर मैं गाड़ी खरीद के लाता हूँ, तो वहाँ पे जब हम ट्रांसफ़र करवाते हैं वापस अपने स्टेट में, अपना जिस पर्टिकुलर स्टेट में हम प्रेजेंटली में रह रहे हैं, अगर मैं वहाँ पे करवाना, जैसे मैं राजस्थान में रहता हूँ, अगर मैं किसी और अदर स्टेट से गाड़ी खरीद के लाता हूँ और अगर मैं राजस्थान में करवाता हूँ, तो वहाँ पे ये फॉर्म 27 वहाँ पे लगाया जाता है। फॉर्म 27 में जो मेरे साइन वगैरह होंगे तो ये उस पर्टिकुलर काम के लिए आता है। असाइनमेंट नंबर, असाइनमेंट नंबर ये होता है कि महाराष्ट्र से MH नंबर की गाड़ी है, महाराष्ट्र नंबर की गाड़ी है और मुझे राजस्थान यानी RJ गाड़ी लेनी, राजस्थान नंबर तो वहाँ के लिए मुझे लेनी है, तो उसमें ये फॉर्म 27 राजस्थान नंबर असाइनमेंट नंबर के लिए काम आता है। तो इसको आपको हमेशा जो है ध्यान रखना है, ये फॉर्म 27 वहाँ पे काम आता है, ठीक है। अगला फॉर्म जो आता है वो आता है फॉर्म नंबर 25। अगर आपको कैमरे में दिख रहा होगा ये है फॉर्म नंबर 25। फॉर्म नंबर 25 कब कहाँ पे काम आता है? वो काम आता है, फॉर्म नंबर 25 काम आता है RC रिन्यूअल के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपकी जो गवर्नमेंट की तरफ से जो RC की जो वैलिडिटी होती है, किसी की जो पेट्रोल कार्स की जो होती है 15 साल होती है और जो डीजल कार्स होती है उनकी 10 साल की होती है, यानी 10 ईयर्स की। कुछ स्टेट ऐसे, जैसे दिल्ली NCR में तो ये गवर्नमेंट ने मना कर दिया, क्योंकि काफ़ी स्टेट्स ऐसी हैं, कुछ स्टेट जो मेट्रो सिटीज है वहाँ पे शायद अभी जो है RC रिन्यू नहीं हो रही है, लेकिन काफ़ी स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे RC रिन्यूअल होती है आगे के लिए 4 या 5 साल के लिए। गाड़ी आपकी फिटनेस, अगर आपकी गाड़ी फिटनेस में ओके निकल जाती है तो आप अपने जो है आगे गाड़ी की RC को रिन्यूअल करवा सकते हैं 5 साल के लिए। तो वहाँ पे जो फॉर्म लगता है वो लगता है फॉर्म नंबर 25। तो ये फॉर्म नंबर 25 आपकी गाड़ी की RC के लिए जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है उसको रिन्यूअल करवाने के लिए ये वहाँ पे काम आता है। तो इस चीज़ को आप वापस देख लीजिए, आपको नोट करके रख लीजिए कौन सा फॉर्म किस चीज़ काम आता है, तो ये चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो चलिए चलते हैं अगली फॉर्म की तरफ, अगला फॉर्म कौन सा होने वाला है। अगला फॉर्म मेरे पास जो है वो है फॉर्म नंबर 26B। अच्छा, 26BRC। अब ये 26DRC क्या है? फॉर्म नंबर 26DRC अगर आप देखेंगे यहाँ पे, ये जो फॉर्म होता है ये होता है डुप्लीकेट RC के लिए। डुप्लीकेट RC का मतलब ये होता है कि बाई चांस किसी कारण से अगर आपकी जो गाड़ी की RC है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो होता है वो गुम हो गया हो, तब ये आपको वापस एक डुप्लीकेट RC RTO से निकलवानी पड़ती है। उस वक्त ये डुप्लीकेट RC फॉर्म नंबर 26BR जो है ये लगता है, ये वहाँ पे काम आता है डुप्लीकेट RC के लिए। इसी का आप हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट हो, RC हो, भले आपके ID प्रूफ हो, कोई भी हो, हमेशा उनके फोटोकॉपी का सेट आप हमेशा एक अलग फाइल में अपने पास हमेशा संभाल के रखें, ये आपके फ्यूचर में ज़रूर काम आता है। तो RC डुप्लीकेट RC निकालने के लिए फॉर्म नंबर 26 काम आता है, इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। एक बार आप देख सकते हैं आपके बहुत ही काम आने वाला है। अगला फॉर्म, ये दो फॉर्म आप देख रहे होंगे, ये दोनों फॉर्म साथ में लगते हैं। अच्छा, कौन कौन से फॉर्म है? एक तो है आपका फॉर्म नंबर 519 और एक है आपका फॉर्म नंबर 46। ये दो फॉर्म जो है आप देख रहे होंगे, आपको अगर दिख रहा होगा एक फॉर्म ये, एक नंबर ये है फॉर्म फॉर्म नंबर 519 और एक है फॉर्म नंबर 46। ये काम आते हैं ऑल इंडिया परमिट के लिए। जब भी आप कोई गाड़ी कमर्शियल नंबर से ट्रांसफर करवाते हैं तो ऑल इंडिया परमिट जब आप लेते हैं, कहीं भी टैक्सी, जैसे ऑल इंडिया परमिट होती है कहीं भी आने जाने के लिए, आपने येलो प्लेट में देखा होगा कमर्शियल टैक्सी पर्पज से जो गाड़ियाँ चलती है टूर एंड ट्रेवल्स में, तो वहाँ पे ये जो ऑल इंडिया परमिट के लिए ये दो फॉर्म काम आते हैं। तो उस वक्त इसी का ध्यान रखिएगा, ये फॉर्म वहाँ पे काम आते हैं। अगला फॉर्म जो आता है वो है मेरे पास फॉर्म नंबर 35। शायद इसके बारे में आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो मैं आज आपको बता देता हूँ। फॉर्म नंबर 35 जो है आपकी RC पे जो हाइपोटेक्शन होता है, जो बैंक की जो आप कहीं से लोन करवाते हैं, जो हाइपोटेक्शन होता है वो इसमें, वो आपकी RC पे चढ़ा होता है। जब आपका लोन पूरा हो जाता है, जब आप बैंक के साथ जो लेन देन है, बैंक के साथ जो लेन देन अगर आप उसको पूरा कर देते हैं, तो बैंक आपके साथ आपको एक NOC प्रोवाइड करवाता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, मतलब नो ड्यू सर्टिफिकेट आपने देखा होगा, तो वो आपको प्रोवाइड करता है। उसके साथ में ये ऐसे फॉर्म नंबर 35 भी आपको देता है, जिसपे
एनओसी पे तो लिखा होता है कि भाई आपका बैंक के साथ कोई लेन देन नहीं है, सारा पेमेंट जो है क्लियर है, तो वो एक होता है। साथ में ये फॉर्म नंबर 35 देते हैं जिसमें एक तो जिस कस्टमर है होते हैं उनके साइन होते हैं, प्लस बैंक की यहाँ पे जो सील लगाई जाती है, जिस भी आपने फाइनेंस करवाया है वहाँ पे उनकी जो है यहाँ पे सील लगाई जाती है, बैंक की सील, और वहाँ पे जो ब्रांच मैनेजर होते हैं उनके यहाँ पे जो फाइनेंस मैनेजर होते हैं उनके यहाँ पे साइन होते हैं। तो ये फॉर्म जो है आपकी एनओसी के साथ आरटीओ में सबमिट होता है। और एक चीज़ और, कई बार लोग फर्जीवाड़ा भी जो है डुप्लीकेट जो है नकली जो है एनओसी भी लेकर आ जाते हैं, तो इसीलिए अब गवर्नमेंट की तरफ से नियम बन गया है, हमारे राजस्थान में तो बन गया, बाकी पर मैं तो नहीं कह सकता, वहाँ पे अलग अलग रूल्स होते हैं, कि जब आपका लोन क्लियर हो गया है और बैंक ने आपको एनओसी प्रोवाइड करवा दी है, तो बैंक अपनी तरफ से एक मेल आरटीओ ऑफिस में भेजता है, जिससे ये कन्फर्मेशन हो जाता है कि जो एनओसी इन्होंने दी है, ये फॉर्म 35 जो दिया है, ये एकदम ओरिजिनल है, वैलिड है, और किसी प्रकार की कोई स्कैम नहीं हो रहा है, कोई फेक नहीं है। तो आप प्लीज़ आरटीओ से इनकी जो आरसी में से हाइपोटेशन जो हमारी बैंक का जो डिटेल्स है वो हटा दीजिए। अब वो गाड़ी पूरी तरह से जो उसके ऊपर मालिकाना हक है वो कस्टमर को आ जाता है। तो ये आप हमेशा देख लीजिए, फॉर्म नंबर एनओसी आप कभी भी लें तो साथ में ये फॉर्म नंबर 35 का हमेशा ध्यान रखें, जिसपे बैंक की सील और उनके जो साइन जो होते हैं फाइनेंस मैनेजर उनके यहाँ पे साइन होते हैं, इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखें। इसके साथ एक चीज़ मैं आपको और आपको बता दूँ कि कभी भी आप जब पेपर ट्रांसफर करवाने जाते हैं आरसी में, तो हमेशा सामने वाले के, अगर आपने कोई सेकंड हैंड गाड़ी परचेज करी है, किसी और से अगर आपने गाड़ी परचेज करी है, तो एक चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप सामने वाले के डॉक्यूमेंट्स जो है उसकी आरसी के साथ ज़रूर मैच करें। आरसी अगर जिसके नाम जिससे आपने गाड़ी खरीदी है अगर उसके नाम पे ही आरसी है, तो उनके आधार कार्ड और पैन कार्ड, उनके आधार कार्ड से जो उनकी जो आईडी प्रूफ होते हैं उनके साथ जो है आरसी पे जो एड्रेस लिखा है, जो नाम लिखा है, उसको हमेशा मैच करें, और कंफर्म करने के बाद ही अपना नाम ट्रांसफ़र करवाएं। और जब अपना नाम ट्रांसफ़र करवाने जाएं तो अपना एक साथ पासपोर्ट साइज फ़ोटो और अपना आधार कार्ड, लाइसेंस, दो एड्रेस प्रूफ होने चाहिए, और साथ में एक आईडी प्रूफ में आपका पैन कार्ड हमेशा लेकर जाएं, जिससे आपको आरटीओ में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। प्लस गाड़ी की आरसी के साथ इंश्योरेंस हमेशा रनिंग में होना चाहिए, एक्सपायर्ड इंश्योरेंस नहीं चलता है, तो इंश्योरेंस करवा के और आरसी लेकर और साथ में गाड़ी की पीयूसी का जो सर्टिफिकेट होता है वो लेकर जरूर जाएं, जिससे वहाँ पे आपके आरटीओ में किसी प्रकार के काम में कोई भी डिले नहीं होगा और वन शॉट में जो आपका सारा काम हो जाएगा। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम का रहा होगा, और इस वीडियो में मैंने आपको फॉर्म से आरटीओ के फॉर्म से संबंधित बहुत सारी जानकारी दी है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, साथ में शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ, और इस फॉर्म्स जो मैंने बताए हैं इनको हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि कौन सा फॉर्म क्या काम आता है, जिससे आपको आरटीओ में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी और आपको भी इस चीज़ की नॉलेज होगी। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में नई गाड़ी के साथ, नई जानकारी के साथ, और अगर वीडियो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ में बेल आइकन का जो बटन दिख रहा है उसको भी आप ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली जो भी इन्फॉर्मेशन वीडियो है वो आप तक तुरंत पहुंच जाए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नई गाड़ी के साथ, नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, टेक केयर एंड जय हिंद।